ग्वालियर की, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमल सिंधिया की कंपनी से 12 लाख की ठगी हुई है। मैनेजर शिवम गुप्ता पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है, तो मैनेजर और दो साथियों पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हो गया है। तो जनकगंज थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इधर आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। कारोबारियों से सब्जी फल खरीद की जिम्मेदारी दी गई थी, तो आपको बता दें कि 2 साल तक मंडी टैक्स हजम करने का आरोप भी लगा है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच जो है की जा रही है पुलिस की ओर से, और आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। तो महान आर्यमल सिंधिया की कंपनी से 12 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। मैनेजर शिवम गुप्ता पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। हालांकि जैसे ही पूरे मामले की शिकायत की गई, पुलिस ने मैनेजर और दो साथियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। तो 2 साल तक मंडी टैक्स हजम करने का आरोप लगा है मैनेजर और दो साथियों पर। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे साथ संवाददाता उमेश। लाइफ आर्यमल सिंधिया की कंपनी में से ठगी की गई है 12 लाख की, फिलहाल क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए प्रशंसा, बिल्कुल, महान आर्यमल सिंधिया माई मंडी ऐप के नाम से जो है एक स्टार्टअप किया था, और उसका लगभग जो वार्षिक टर्नओवर है तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, और जो बाजार से जो थोक में सब्जियां खरीदी जाती है और फिर छोटी छोटी दुकानों पर इस सब्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस पूरे मामले में जो है सब्जी का जो जुम्मा खरीदने का है उनके मैनेजर शुभम गुप्ता को था, और उनके दो साथियों ने यहाँ पर 12 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी की है, और उसके बाद जनकगंज थाने में दोनों ही आरोपी और जो मैनेजर हैं उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सब्जी अलग अलग जगह से सब्जी खरीद कर जो टैक्स आता है उसमें मंडी का जो टैक्स है तकरीबन 12 लाख रुपए, उसके साथ उन्होंने टैक्स नहीं दिया और वो जो पैसे हैं उनको हड़प लिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज जरूर हो गया है। जनकगंज पुलिस है वो अब आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो स्टार्टअप के जरिए महान आर्यमल सिंधिया ने छोटे छोटे जो सब्जी विक्रेता है उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने की जो पहल की है उसका काम लगातार जारी है। लेकिन इस तरह का फ्रॉड कहीं ना कहीं जो है जो आसपास के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं मायूसी जरूर है, क्योंकि 12 लाख रुपए का फ्रॉड है, और उसके अलावा जो अभी सब्जियों का कारोबार है वो भी अभी मंदा चल रहा है। उसकी वजह से अब देखा यह जा रहा है कि जो सब्जी विक्रेता है उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आक्रोश है, क्योंकि जो मैनेजर है वो रोजाना उनके यहाँ पर आता था, जो भी सब्जी का जो पैसा था वो उनसे लेता था। अब मंडी का जो टैक्स है 12 लाख रुपए उसकी पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है, और जल्दी पुलिस का दावा है कि जो तीनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होगी पुलिस की ओर से, और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए उमेश। निश्चित तौर